कि ये लोग कहते हैं कि लेडीज पर्दे में रहे, जो पर्दे में रहे पर्दे के पीछे घरों के अंदर इनके वाइफ का क्या करते हैं, ये तालिबान का वाइफ है का, सऊदियन लोगों के घरों में हैश करते रंगरलिया बनाते, ये तालिबान की वाइफ, तालिबान के बच्चे पाकिस्तान में। कुछ लोगों से मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, मेरी मतलब जानकार है, उनसे बातचीत होती है, वो तो कहते हैं हम लाइट ऑन नहीं करते रात के समय, क्योंकि हम लाइट ऑन करेंगे पुलिस वाला के इस गिन घरों में लड़कियां जवान है ले जाएंगे। इस्लाम में तो ये नहीं लिखा कि आप औरतों को मत पढ़ाओ, हम ग़ुलाम के ग़ुलाम बन चुके हैं, क्योंकि तालिब तो पाकिस्तान के ग़ुलाम है और वो ग़ुलाम जो अमेरिका के ग़ुलाम है। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही हैं। ऐसा ऐसी जो आर्डर मिलता है वही अफ़गानिस्तान में ये लोग फॉलो करता है, और ये ख़ुद तो इस्लाम को जानते नहीं है, और महिलाओं को बाहर जाने नहीं देते, जॉब करने नहीं देते, जबकि वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ नाम का मुस्लिम है, वो नाम का मुस्लिम है, वहाँ पे सब चीज़ें है, सिनेमा हॉल है, महिलाएं के जो जिस्म बेचने वाला हीरा मंडी वहाँ पे है, शराब की कई फैक्ट्रियाँ है जो चीन ने बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार, मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। अफ़गानिस्तान में जो इस समय हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने अपना शासन एक तरह से कायम ही कर लिया है, वहां की जो अफ़गान सेना थी वो पीछे हट गई है, लेकिन उसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं वहाँ के आम जनता है, कुछ लोग अलग अलग देशों में पलायन कर रहे हैं। भारत एक पड़ोसी देश होने के नाते यहाँ पर अधिक संख्या में अफ़गानिस्तान के जो जनता है वो पलायन कर रही है, और एक तरह से भारत सरकार से वो सहायता भी चाहती है कि भारत उन्हें आर्थिक सामाजिक हर तरह से एक सुरक्षा प्रदान करें और उनको रहने के लिए यहाँ पर शरण भी दें। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं जो अफ़गानिस्तान से भारत में रहते हैं, अभी भारत के ही नागरिक हैं, तो हम पहले इनसे ही जान लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं समयउल्ला हूँ, लोगर प्रोविंस से, 2017 के लास्ट में सितंबर में आया हूँ, अभी तक यहाँ पे रिफ्यूजी असाइलम से करूँ। तो समीरुल्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस समय जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है, जो हालात है, उन पर क्या कहना है, एक अफ़गानिस्तान के नागरिक होने के नाते इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, और यहाँ पे हम भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे फैमिली वहाँ पे सब है, भाई बहन पापा मामा सब वहाँ पे है, अब इस समय में तो हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपील कर सकते हैं कि वर्ड से कि खुदा रईस का कुछ सलूशन निकाल ले, क्योंकि तालिब तो आईएसआई के लोग हैं और हम ग़ुलाम के ग़ुलाम बन चुके हैं, क्योंकि तालिब तो पाकिस्तान के ग़ुलाम है और वो ग़ुलाम जो अमेरिका के ग़ुलाम है, हम ग़ुलाम के ग़ुलाम बन चुके हैं, तो अभी भी तालिबान तो दिखावे में यही दिखता है कि टीवी न्यूज़ में दिखता है कि बोल देता है कि हम लोग सबको माफ़ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, रात की तरफ से घरों में घुस जाता है, स्पेशल फोर्स आर्मी और कमांडोज के पीछे है, सबको चुन चुन के वहाँ से घरों से निकाल लेते हैं और उसे मार लेते हैं, और रात की तरफ से, और अभी भी आज तुलू न्यूज़ का एक लेडीज़ को मार दिया है, और ऐसे ही बहुत हमारे एक पुलिस ऑफिसर थे कि कल ही उसे गोलियों से मार दिया है, मीडिया में भी आया है, और हमारे और ज़्यादातर गवर्नर है सब लापता है, ज़्यादातर तो हमारे स्पेशल फोर्स और कमांडो लापता है, अभी भी उसका पता है नहीं कि किधर है, इन लोगों के पास है या पाकिस्तान उसे लेके गए हैं, तो ये लोग इस्लाम के नाम पे इस्लाम को बदनाम कर रहा है, जैसे कि हम भी मुस्लिम हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो लोग भी रखते हैं, लेकिन हमें काफिर बोल लेते हैं, हमें शरीयत हमें सिखा रहा है, जबकि वो लोग अनपढ़ है, खेतों से और पहाड़ों से लोग इकट्ठा हो गए, तालिब को एक गुरु बना लिया और लोगों के ऊपर शरीयत बना रहा था।
आपसे मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का शासन आ गया है, तो तालिबानियों ने ये कहा है कि वे महिलाओं को हमेशा बुरखा में देखना चाहते हैं, वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो केवल चौथी या पाँचवीं तक ही पढ़ेंगी और उन पर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तो क्या लगता है कि महिलाओं पर इतनी पाबंदियाँ लगाना सही है? आज़ादी तो छोड़ो, उनको मूलभूत अधिकार देने को भी तालिबान राज़ी नहीं है, तो क्या कहना है इस पर आप? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन उस पर भरोसा थोड़ी ना है। वो जैसे उनकी मर्ज़ी है वो वैसे ही करना चाह रहे हैं। जैसे आप समझो कोई लेडीज़ का 7 बेटी है, 4 बेटी है, वो तो उसका तो मतलब उसका वो बाहर जा के काम करना चाहिए ना, नहीं करेंगे। हो सकता है उसके हस्बैंड तालिबान मार चुका होगा या बीमार हो या मर गया कुछ भी, तो इतनी घर में सारे लेडीज़ है, उनको पढ़ना भी ज़रूरी है, उनको काम करना भी ज़रूरी है। नहीं तो बुरके में रहो, काम मत करो, पढ़ाई मत करो, फिर वो कहेंगे क्या करेंगे, लाइफ कैसे जिएंगे वो तो करना चाहिए उनको। लेकिन आजकल आप देख रहे हो मतलब न्यूज़ में, टीवी में, जितना भी है, बहुत हालात ज़्यादा ख़राब है, जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, और घरों में ज़बरदस्ती लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं अपने साथ, सब कुछ होता है वहाँ पर। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान मूल के एक व्यक्ति, जो इस समय कुछ ही दिन पहले जिन्होंने सोचा था कि वो अफ़गानिस्तान वापस लौटेंगे, पर इस समय जो वहाँ पे हालात है उस कारणवश वो नहीं जा पा रहे हैं, और जो कुछ पैसे थे वो भी अब दिन ब दिन बस ख़त्म हो रहे हैं, और हालात आगे क्या होंगे, आगे कैसे जिएंगे कुछ पता नहीं है। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसी समस्या का ये सामना कर रहे हैं इस समय। आपका नाम? उबैदुल्लाह। आप इस समय किस तरह की परेशानियों से सामना कर रहे हैं? طالبا ما خود فعلا رفتن نمیتونم، طالبا رحم نداره، طالبا بسیار بیرحم است، اینا عیسای مکمل، عیسای پاکستان است اینا. یہ آدمی ہے جی، آج سے تقریبا 10 دن پہلے آیا تھا، تو یہ اپنے بیٹے کا علاج کرانے کے لیے آیا تھا۔ علاج میں تو اس کو نہیں سیٹسفیکشن مل پائی، کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے، لمیٹڈ پیسے سے علاج میں زیادہ پیسے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنا پروگرام بنایا کہ میں واپس افغانستان جا رہا ہوں۔ ٹکٹ لے لی تھی لاسٹ سنڈے کو، آئی تھنک آج کیا تاریخ ہے جی، 20 है ना तकरीबन، इसने 13-14 तारीख को टिकट ले ली थी। तो फ़्लाइट भी थी इसकी, बट सुबह सुबह इसके पास मैसेज आ गया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो जिसकी वजह से ये नहीं जा पाया। अब आज तकरीबन 5-7 दिन हो गए हैं जिसकी वजह से ये कंटिन्यू रह रहा है। अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि लगातार जो लिमिटेड पैसा था वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और अभी इसको मालूम नहीं कि अभी कैसे जाएगा। घर जाएगा तो घर में एयरपोर्ट उतरने के बाद टैक्सी लेगा तो घर तक कैसे पहुंचेगा? उसके बाद इसके कौन सी परेशानियां या कौन कौन सी दिक्कत या कोई पता नहीं इसको, इसके साथ ज़िंदगी के साथ क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह ये अपने आप को बांध के और मजबूर होकर के बैठा हुआ है, और ये तब भी इंतज़ार कर रहा है कि जब फ्लाइट खुलेगी तो मैं जाऊँगा। जो औरतों के साथ जो नए नए कानून ला रहे हैं, क्या वो सही है, उनको लेकर क्या मानना है आपका? इस्लाम में तो ये नहीं लिखा कि आप औरतों को मत पढ़ाओ। इस्लाम में यही लिखा है कि औरतों को पढ़ाओ, मर्दों की शाना बशाना होना चाहिए। है कुछ रूल है, लेकिन जो ये लोग कहता है ये इस्लाम के नाम बदनाम कर रहा है। जैसे इन लोगों को ऊपर से आर्डर मिलता है, इन लोगों के आईएसआई से जो आर्डर मिलता है वही अफगानिस्तान में ये लोग फॉलो करता है, और ये ख़ुद तो इस्लाम को जानते नहीं है। कई लोगों को जो करज़ई और अशरफ गनी के दौर पे पकड़ लिया, उसको कलमा पढ़ना नहीं आता, उसको नमाज ही नहीं आता, तो ये कैसे तालिब है, ये कैसे मुस्लिम है कि हमें दूसरा शरीयत दिखा रहा है? क्योंकि हम शरीयत से वाकिफ है, हम मुसलमान हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन लोगों को औरतों को नहीं छोड़ते। कहता है कि 5वीं या 6ठी क्लास तक पढ़ लो, आगे आपको पढ़ने का क्या ज़रूरत है? और महिलाओं को बाहर जाने नहीं देते, जॉब करने नहीं देते। अभी भी जो सूरत हाल है काबुल एयरपोर्ट पर, सब पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, और ज़्यादातर महिलाएं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन वही महिलाएं के ऑफिस में काम कर लेते थे, बैंक और गवर्नमेंट में काम करते थे, अब वो सब बंद है। टीवी न्यूज़ और रिपोर्टर, ज़्यादातर रिपोर्टर थे, तो सबको बंद किया है। अब स्कूल भी आज ही शुरू होने वाला था लेकिन अभी से नहीं शुरू हुआ, सब चीज़ें बंद है अभी भी। तो मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम शाहीन मोहम्मदी है, अफ़गानिस्तान से हूँ, और या पिछले कुछ महीने से दिल्ली में आकर रह रही हूँ।
और आप अपना हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमारा नाम समीर अहमद है, हम अफगानिस्तान से आए हैं, हम अफगानिस्तान से एक न्यूज़ मीडिया चैनल पे काम है, हमारा रिपोर्टर थे हम अफगानिस्तान से। इन्होंने एक महीने पहले आया, मैं कुछ दो तीन महीने पहले। अब दोनों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैम आपसे सवाल मेरा है कि इस समय अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है, जो हालात हैं, उन पर क्या कहना है आपका? मुझे कहना ये है कि अगेन क्या होगा, यानी आज से कल तक कोई भरोसा नहीं कि क्या क्या हो रही है। आजकल जैसे हम मीडियो में, जैसे यूट्यूब में, जैसे और मोबाइल की फेसबुक से देखते, एक ऐसे हालात चल रही है कि घर घर का तलाशी शुरू हो गया। तालिबान का भी लेडीज़ है, वाइफ है उनका, बच्चे हैं। अगर हॉस्पिटल में लेडीज़ ना जा सके तो उनकी बच्चे का इलाज कौन करेगा? अगर टीचर इनकी बच्चे को ना पढ़ाए, पढ़ाई ना करे, तो फिर इनका अगेन क्या होगा? जैसे अनपढ़ गवार अभी है, अगेन उसकी बच्चे भी ऐसे होगा जो कुछ उनको समझ नहीं आते। एक हुकूमत में, एक कंट्री में सियासत के नाते में लीडीज़ भी होना चाहिए, जैसे ये लोग बोलते हैं पर्दे के साथ। अशरफ गनी के समय में उस वक्त भी लेडीज़ पर्दे के साथ थी, कोई नंगे नहीं घूमते थे, सब बुरके में थे। अगर जर्नलिस्ट था, अगर टीवी चैनल था, वो जो अलग होते हैं, स्पॉन्स जो कई और का होते हैं वो अलग है। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा पर्दा यही है कि ये लोग कहते हैं कि लेडीज़ पर्दे में रहे, जो पर्दे में रहे, पर्दे के पीछे घरों के अंदर इनके वाइफ का क्या करते हैं? ये तालिबान का वाइफ है कहाँ? सऊदियन लोगों के घरों में हैश करते हैं, रंगरलिया बनाते हैं। ये तालिबान की वाइफ, तालिबान के बच्चे, तालिबान के बच्चे पाकिस्तान में है, इनके सौ सौ शोर है तालिबान की वाइफ के। ये खुद यहाँ आ चुके, उनकी वाइफ और बच्चे रंगरलिया बनाते पाकिस्तान में। जैसे हर हालत में ये लोग पहुँच गया, यही उर्दू में बात करके लोगों के घरों में पहुँच गया, लोगों के घरों में अंदर घुस गया। ये मेरा अपना जैसे जान पहचान वाले, इनकी बच्चे का छः साल पहले दो बच्चे का कत्ल हो गया है, इनकी खुद पैर घायल हो गया है। अगर अभी आप देख ले तो क्यों, इसका गुनाह क्या थी? ये सीआईडी में थी, इसका कई बार जानलेवा हो गया। अभी दस दिन पहले इसकी भाई का हत्या हो गया, अच्छा है जान बच गया। इसके पापा ने अपने बेटा बोलने से इनकार किया, यह मेरा बेटा नहीं है। अब हम क्या करें, क्या करें? अब मैं तो सोच रही हूँ कि एशियन लोगों के, एशियन पब्लिक में हम महफूज नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँच सकता है। अगर यूरोपियन लोग हम लोगों को स्पॉन्स ना हो जाए, क्योंकि मैं ख़ुद एक लेडीज जो कंदार में रहती थी और अमेरिकन कंट्री पब्लिक के साथ एक एनजीओ में, एक प्रोजेक्ट में काम करते थे, अब उन लोगों का आत यहाँ तक पहुंच सकते हैं। पर अगर हम लोगों का कोई फ्यूचर ना करे तो हम यहाँ पर भी हम लोगों का जानलेवा होते हैं। भारत में जिस हिसाब से अफगानिस्तान के लोग पलायन करने वाले हैं, अब भारत सरकार ने भी नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, तो भारत सरकार से कुछ कहना है आपका? भारत सरकार का तो आजकल शुक्रिया अदा करेंगे, जैसे हम लोगों का वीज़ा मिला है और मिलते हैं, शायद मिल भी जाए, पर वो जो जितना पब्लिक यहाँ 10 साल पहले से रहते हैं, उनका क्या होगा? जो उनका पासपोर्ट भी नहीं है, उनका वीज़ा भी नहीं है, उनका रहने का, टिकाने का और खाने पीने का जगह ही नहीं है, क्या करें? ऐसे विधवा लेडीज 80% यहाँ पे है, जो वहाँ पुलिस में थे, आर्मी में थे, अब यहाँ पे बिना शोहर बिना बच्चे क्या करें? दूसरा भाई यहाँ पर खड़े, उसका बच्चे, दो बच्चे है, बीमार है, अब कौन सी कंट्रीज का स्पॉन्स होते हैं? ये समस्या वो है जो अफगानिस्तान की लगभग सभी जनता इस समय महसूस कर रही है, और भारत सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो जो पहले से अफगानिस्तान से लोग आए हैं पलायन करके, पहले उनका निवारण किया जाए, उसके बाद ही जो बाकी अफगानिस्तान के लोग आ रहे हैं उसके बाद में उनका सोचा जाए। और सरकार की इस समय जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनकी समस्या का निवारण करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। जब अशरफ गनी की सरकार थी और तब तालिबान था, ऐसा नहीं है कि वो तब भी तालिबान था, लेकिन तब के हालात कैसे थे? क्योंकि अभी तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, वहाँ माहौल बहुत ख़राब है, वहाँ की जनता बहुत कुछ सह रही है, तो तब कैसा माहौल था?
तब तो सही था, लेकिन सही तो नहीं था, सही तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जी रहे थे, वैसे आदत हो गई थी। मतलब मस्जिद में बम ब्लास्ट होता था, शादी में होता था, जिम में होता था, स्कूल में होता था, लेकिन तब भी लोग, हर किसी का अपना जॉब था, हर किसी का अपना काम था, लोग जाते थे, काम करते थे, जीते थे, लेकिन इतना जैसे अब है वैसे तो नहीं था। हर किसी का कोई काम था, हर कोई बिजी था अपनी लाइफ में, शादी में जाते थे, पार्क में जाते थे, लोग घूमते थे, फिरते थे, खुश थे। लेकिन जैसे इंडिया, इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ठीक था, लोग जीने के बाद जी सकते थे। अब तो कोई जी नहीं सकते, सब घरों में बंद है, कैद है। कुछ लोगों से मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरी मतलब जानकार हैं, उनसे बातचीत होती है, वो तो कहते हैं हम लाइट ऑन नहीं करते रात के समय, क्योंकि हम लाइट ऑन करेंगे पुलिस वाला के इस इन घरों में लड़कियाँ जवान ले जाएंगे, ऐसे बहुत कुछ है। और फ़ोन भी छीन लेते हैं, जो कैमरा वाला कह रहे रिकॉर्ड ना करें, हमारा जो हमारा बदनामी है ये मीडिया को ना दिखाए, सिंपल फ़ोन दे रहे हैं। तो हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जो बता रही हैं उससे तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मतलब अगर महिला है तो वो लाइट तक नहीं जला सकती रात में, बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है। अच्छा ये बताइए कि भारत में एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आज़ादी है महिलाओं को, या वहाँ से यहाँ का माहौल ठीक लगता है आपको एक महिला होने के नाते? ठीक तो बहुत ज़्यादा ठीक लगता है, ठीक है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ठीक है। अफगानिस्तान का माहौल अब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, बहुत माहौल ख़राब हुआ है वहाँ का, हुकूमत गिरी हुई है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, बस तालिबान का हुकूमत है, तालिबान बहुत जुल्म करते हैं, इस तरह है कि किसी को अपना हक नहीं देते, अभी उनका सब कुछ आया है, इसलिए तो बस अफगानिस्तान का माहौल बस अच्छा नहीं है अभी। अच्छा तालिबान जो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि वो शरीयत लाएंगे, मजहबी विचारधारा को फैलाएंगे, तो क्या लग रहा है, क्या सही है वो? सही तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम शरीयत से लाएंगे, सब दीन इस्लाम लाएंगे, अब पता नहीं क्या करें, अभी तो वो फायरिंग भी करते हैं, आज़ादाना फायरिंग करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, इस तरह कुछ करते हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है अभी। औरतों को लेके जो कानून बनाए जा रहे हैं तालिबान द्वारा, उस पर क्या कहना है आपका? औरतों के लिए तो पता नहीं, कुछ नहीं होगा, वैसे कह रहे हैं ताकि कुछ किसको पता, कुछ नहीं होगा औरत के लिए। हम का नंगा पिरा अपने कंट्री में घुमा फिरा है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सबने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो उदय हुआ, आप जो मानते हैं कि उनका जो पनपे ही जहाँ से है, तो वो सन 1980 में जब कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका के बीच में, तो बीएन अफगानी आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो इस समय आज माहौल है वो उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है, रूस या फिर अमेरिका? इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार ख़ुद अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को डोनेशन दे रहा था और दूसरे नामों से, और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के फोर्स तालिबान को सपोर्ट करे, और अगर वो चाहते थे तो तालिबान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था, अगर खुद अमेरिका उसे फाउंडेशन नहीं देते, उसे हेल्प नहीं करते, उसे पैसे नहीं देते, तो ये तालिब तो कहाँ से इसके पास इतना पैसे आएगा, इसको इतना असलाह कौन दे रहा है, इसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, जबकि वही पाकिस्तान जो दो दिन पहले इमरान खान ने कहा कि अफगान लोग अब ग़ुलामी की जंजीर से खलास हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है, हम ग़ुलाम के ग़ुलाम बन गए हैं, ये तो ज़ाहिर बात है कि उसी वही सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में जो तालिब लोग आ गए, अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया है, वहाँ पे जश्न मना रहा है ये लोग, अब ये तो सरासर टीवी में भी दिखा रहा है कि वही सपोर्ट करता है, मीडिया भी दिखा रहा है, अब वहाँ पे एक मुस्लिम की कंट्री पे दूसरा दहशतगर्द हैवी हो जाता है और दूसरा कंट्री उसकी खुशी मना लेता है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा पड़ोसी है, ये पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी के ऊपर बहुत हक बनता है, जबकि वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ नाम का मुस्लिम है, वो नाम का मुस्लिम है, वहाँ पर सब चीज़ें है, सिनेमा हॉल है, महिलाएं के जो जिस्म बेचने वाला है हीरा मंडी वहाँ पे है, शराब की कई फैक्ट्रियाँ है जो चीन ने बनाया है, हत्ता कि फैसल मस्जिद के नीचे डिस्को डांस वहाँ पे भी मौजूद है, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे अपने आँखों से देख के आए हुए हैं, अब तो ये तो सिर्फ नाम का मुस्लिम है,
वही वो भी ग़ुलाम है अमेरिका का और ये तालिब भी उसकी ग़ुलाम के ग़ुलाम बन गए। जो अफगानिस्तान से जो लोग पलायन कर रहे हैं पड़ोसी देश में, जैसे पाकिस्तान में लोग शरण लेने के लिए जा रहे हैं, भारत में लोग आ रहे हैं, अभी भारत सरकार ने कहा भी है कि उन्हें वीज़ा पॉलिसी शुरू करेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अफगानी है, जो भारतीय लोग हैं अफगानिस्तान में फंसे हैं, उनको वापस लाया जाएगा। तो भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके कि शरणार्थी हैं या जो मूल निवासी भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंस गए हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से सिर्फ इतना ही अपील कर सकता हूँ, जितना भी यहाँ पे लोग आ रहा है और जैसे पहले लोग आए हैं, जैसे मैं और मेरे जैसा हज़ार लोग यहाँ पे है, यूनिसीआर में वो रजिस्टर है, पहले उसका सोल्यूशन निकाल ले, क्योंकि ये लोग भी आ रहा है तो वही यूनिसीआर में ये रजिस्टर होगा। जैसे मेरा 4 साल हो गया, मैं अभी तक सैलम सीकर हूँ। अगर थोड़ा सरकार यूनिसीआर के ऊपर प्रेशर डाल ले, जो पहले वाले केसेस है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए तो दूसरे लोगों के लिए थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। तो सरकार पर भी एक तरह से दबाव बढ़ेगा, फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से जो अफगानिस्तान की जनता है, जो दुनिया में अपने आप को खुद को वर्ल्ड पावर बताते हैं, अमेरिका हो चाहे रशिया हो, लेकिन इस समय अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, जो हालात है, उनको सुधारने के लिए वर्ल्ड पावर कहाँ है? क्यों अफगानिस्तान में वो अपनी इंटरफेरेंस दिखा के वहाँ पे शांति कायम क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को ज़रूर विचार करना चाहिए, तभी अफगानिस्तान की जनता जो इस समय महसूस कर रही है मजहबी झूठी विचारधारा के चलते जो उन्हें महसूस करना पड़ रहा है, जो उन्हें हालातों का सामना करना पड़ रहा है, उसका हल तभी हो सकता है। और साथ ही जो देश इस चूल्हे में, हम कहेंगे अफगानिस्तान में जो भट्टी जल रही है, उसमें हाथ सेकने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आग उन पड़ोसी देशों में भी ज़रूर आ सकती है। मैं रुचि पांडे, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, मीडिया दरबार, नई दिल्ली।